गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अ न्यू ईयर, अ न्यू डे, अ न्यू व्लॉग। एंड सॉरी कि इसे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है क्योंकि मेरे कैमरा का कुछ ऑडियो इशू हो गया था। ओके, सो बैक टू द टॉपिक। आज हमारा पहला ब्रेकफास्ट राइड है एंड वी आर गोइंग टू पंचगांव, जो गुरुग्राम के आगे जाके हैं। तो सुबह के अभी 7 बज रहे हैं, मैं अपने घर से निकल चुका हूँ। मीटिंग पॉइंट है धौला कुआं का मेट्रो स्टेशन, और वहाँ हमें 8:15 तक पहुँच जाना है। पूरी टीम 8:15 तक वहाँ पहुँच जाएगी, तो मैं जल्दी निकल गया। इस्कॉन टेम्पल को क्रॉस कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर। सुबह सुबह रोड कितना खाली होता है। और अब हम DND फ्लाईओवर पर चढ़ रहे हैं। रिवर यमुना, सुबह सुबह पूरी की पूरी धुंध है नदी के ऊपर। नदी दिख ही नहीं रही है ठीक से, बट इट्स लुकिंग ब्यूटिफुल, बहुत ही अमेजिंग। हल्की हल्की ठंड है, हल्की हल्की धूप है, ड्राइव करने में मज़ा आ रहा है बहुत। और जी, ये हम पहुंच गए धौला कुआं। अभी चेक करने के लोग खड़े कहां पर हैं, यहां खड़े कि आगे खड़े हैं। ये धौला कुआं मेट्रो स्टेशन है। लोग मिल गए, और ये सेरेमोनियल जो फोटोग्राफी होती है पिक निकलने के पहले, ग्रुप पिक्चर, कुछ सेल्फीज, और अब वी आर ऑन आवर वे। सो लेट्स स्टार्ट। जो लोग दिल्ली से हैं, गुड़गांव से, उनको पता होगा हम किस हाईवे पर ट्रैवल कर रहे हैं। दिल्ली से अगर जाना है गुड़गांव आपको धौला कुआं होते हुए, तो यही हाईवे है NH 8 वाला, जो आपको गुरुग्राम तक ले जाएगा। इस रास्ते के बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे आपने, जो भी पास करता है दिल्ली से जाता है टूवर्ड्स गुड़गांव, टूवर्ड्स जयपुर, अजमेर, वो यहीं से पास करता है। मैक्सिमम लोग यहीं से पास करते हैं। अब हम गुड़गांव में घुस चुके हैं। वी हैव क्रॉस्ड द दिल्ली बॉर्डर, दिल्ली हरियाणा बॉर्डर, और ये हम गुड़गांव में है। हमारा फर्स्ट एंड लास्ट टोल, 22 को टोल नहीं लगती यहाँ पर। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो ये दारू हेड़ा का टोल है या मानेसर वाला, दोनों में से कोई एक मानेसर वाला है शायद ये। इस टोल पे 22 को कोई टोल नहीं लगती। अगर आपको ये टोल का पता है, टोल का नाम, तो प्लीज़ कमेंट इन द बॉक्स बिलो। मुझे तो ध्यान नहीं है, आई थिंक दारू हेड़ा वाला टोल प्लाजा है। 22 की सेपरेट लेन होती है। हमारे पार्टनर ट्रक लेन में घुस गए, फंस गए वहाँ पर। दिल्ली जयपुर हाईवे बहुत सुंदर है। अभी जो मैंने पॉइंट किया मंदिर की तरफ, ये एक मतलब एक आइकॉनिक मंदिर है। ये शुरू से यहीं पर ही, जब हाईवे छोटा हुआ करता था तभी ये मंदिर यहाँ पर था। अभी भी ये दिल्ली जयपुर हाईवे में पड़ता है, और इसी मंदिर के बाद हम लोग लेफ्ट कट जाएंगे, क्योंकि ऊपर बोर्ड लगा होगा पलवल का, वहाँ से लेफ्ट कट जाएंगे और हम पंचगांव जो रेस्टोरेंट है वहाँ पहुँच जाएंगे। और इसी मंदिर के पास जो है वो आई थिंक ईस्टर्न पेरिफेरल वे जो पड़ता है आगे जाकर।
जी, और ये पहुंच गए हैं हम अपना पंचगांव रिसोर्ट या रेस्टोरेंट जो भी बोलिए आप। ये बाइकर्स का मीटिंग पॉइंट है, यहाँ बहुत बाइकर्स आते हैं वीकेंड्स पर, स्पेशली ऑन संडेज ऑन ब्रेकफास्ट राइड। अभी आप भी देखो कितने सारे बाइक्स हैं यहाँ पर, अभी दिखाता हूँ आपको, भरे पड़े हैं बाइक्स, एक से एक सुपर बाइक्स। मेरे को साथ की दे रहा ले जाओ मामा, मेरे पास दो बाइक वाली 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 ये वाली है शायद उसके पास, अभी नहीं रहा कौन सी मैंने एक्स्ट्रा वाइट कर रखा है तो चेक करने के लिए, एक्चुअली सेटिंग चेक कर रहा हूँ इस बार में ना रही है। अच्छा। तो वॉइस क्या है, एक सुपर व्यू है, मतलब हम तुम आ रहे हैं ना ये वाला ऐसे करके, सुपर व्यू में वो भी आ जाएंगे पीछे से, और सीखना पड़ेगा। खाना तो बढ़िया था यहाँ, पूरी सब्जी अच्छी थी और छोले भटूरे अच्छे थे, चाय पी रहे उसके बाद निकलते हैं। और अब हम तैयार निकलने के लिए, पर जैसे हम तैयार हो निकलने के लिए गौरव भाई के बाइक में प्रॉब्लम आ गई। हमें तो लगा कि भाई ये बाइक जो है हमें लगा कि कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम, क्योंकि बाइक स्टार्ट ही नहीं ले रही थी बिल्कुल ही। हमने बहुत सारे ना जैक्स चेंज किए, फ्यूज जो है होते हैं स्पेयर उसको हमने चेंज किया, पर बाइक का इग्निशन ही नहीं आ रहा था। मतलब जब वो ऑन करती हो ना तो लाइट जली नहीं रही, न्यूट्रल वाली ग्रीन लाइट जली नहीं, ना हॉर्न बज रहा था। तो हमने सोचा किक स्टार्ट करेंगे और ये लगा धक्का बाइक को। मिशन फेल्ड। ये हमारे दो सब्सक्राइबर मिले थे वहां पर, इनकी भी वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई बेचारे की, ये दो हैं और उनका नाम भी मुझे याद नहीं आ रहा है, मैंने बहुत कोशिश की याद करने की, पर ये दो सब्सक्राइबर्स हैं हमारे। ओके, थैंक यू फॉर कमिंग इन, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू। और फिर हमने सोचा कि भाई अब तो हमें मैकेनिक बुलाना पड़ेगा, और हमने मैकेनिक बुला भी लिया वहाँ पर, मैकेनिक कहा कि भाई टो करके ले आना पड़ेगा हमें गैरेज तक। पर जैसे ही टो करने के लिए गौरव ने गाड़ी ऑन किया, किक मारी गाड़ी स्टार्ट हो गई गाड़ी ठीक हो गई, तो हमें पता चला कि भाई ये प्रॉब्लम थी वो इग्निशन की थी वहीं पर, वो चाबी की प्रॉब्लम है ना, चाबी ठीक से ना वो इग्निशन तक पहुंच नहीं रहा था, वो ऑन कर रहा था चाबी को पर इग्निशन तक पहुंच नहीं रहा था। तो अब गाड़ी ठीक है एंड नाउ वी आर ऑन आवर वे बैक टू पवेलियन माय फ्रेंड्स, वापस वही NH8, वहाँ से धौला कुआं, फिर वहाँ से DND और फिर वहाँ से अपने घर पहुँच जाएंगे। कुछ रोड के शॉट्स एंजॉय करिए आप लोग। मैंने गौरव को बोल दिया कि मैं मुझे कहीं और भी जाना है, इसलिए मैं फटाफट उनको निकलना है, सो आई लेफ्ट अलोन, मैं आगे निकल आया। और क्यों मैं निकल के आगे आपको दिखाता हूँ, मैं क्यों आगे चला आया, क्या काम था मेरे को। पूरा एक तरह से जंगल है आसपास, लेपर्ड्स के एरिया है, यहाँ लेपर्ड्स बहुत साइट होते हैं, कभी कभी सड़क पे आ जाते हैं।
आप सामने वो अरावलीज रेंज देख रहे हो जो कि ना गुड़गांव फरीदाबाद में पड़ता है, बहुत ही सीनिक व्यू लगता है ये हाईवे से। पीपल कमिंग फ्रॉम जयपुर टू दिल्ली ये पड़ता है। तो ये रहा वो जगह जो मैं चाहता था देखो आप। ये मैं अंदर से थोड़ा डिटोर ले लिया है गुड़गांव से। ये एक अंडरपास है जो DLF फेस 5 से शंकर चौक तक जाता है, और इस अंडरपास में बहुत लोग शूट करते हैं, बाइकर्स जो बाइक चलाते चलाते बात करते हैं, बाइक के डिस्क्रिप्शन देते हैं, स्पीड। आपने ये अंडरपास बहुत सारे वीडियोज़ में देखा होगा। ये बहुत ही सीनिक अंडरपास है। लगता ही नहीं कि आप इंडिया में बाइक चला रहे हो, ऐसा लगता है किसी फॉरेन कंट्री में पहुंच गए हो। बहुत ही सीनिक है। तो मैं चाहता था कि आप लोगों को भी ये दिखाऊं। ये गुरुग्राम में पड़ता है, DLF S5 टू शंकर चौक। अब हम घुस रहे हैं वापस NH 8 में टुवर्ड्स दिल्ली। इस जगह से आप राइट लोगे आप तो आप NH 8 में आपको ये लिख जाएगा, ये NH 8। और ये देखिए एयरपोर्ट के पास होने का फ़ायदा, यू कैन सी द प्लेन्स फ्लाइंग बाई। बहुत अमेजिंग लगता है। तो अब मैं घर पहुंच चुका हूं। अगर यहाँ तक देख लिया है और अच्छा लगा देन प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो और अब व्लॉगिंग स्टार्ट हो गई है आफ्टर लॉकडाउन, तो आई होप आई विल पुट इन मोर वीडियोस। जब भी ट्रैवल करेंगे वीडियोस डालेंगे, तो देखते रहिए। Till the time we meet again, stay fit, stay blessed, my friends. Bye-bye. Beauty.